सैमसंग गैलेक्सी S10 जो कि बहुत ही अच्छा मोबाइल है, जो कि बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स के साथ ये आप लोगों को मोबाइल देखने को मिलता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इस मोबाइल की फुल रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को ये मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल की रैम से स्टार्ट करते हैं। तो रैम आप लोग को इस मोबाइल में जो कि 8 GB का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। साथ ही साथ आप लोग को इस मोबाइल में जो कि इंटरनल स्टोरेज जो कि 128 GB का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। यानी कि 8 के साथ आपको 128 GB का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल के बैक कैमरा के बारे में जान लेते हैं। तो बैक कैमरा भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि डुअल बैक कैमरा होगा, जो कि 16 MP का मेन कैमरा होगा प्लस 12 MP का, जो कि बहुत ही अच्छा खासा फ़ोटो क्लिक करके देता है। साथ ही साथ आप लोग इस मोबाइल से जो कि HDR में फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, और LED फ्लैश लाइट भी होगा बैक में, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ अब हम इस मोबाइल के फ्रंट कैमरा के बारे में जान लेते हैं, यानी कि सेल्फी कैमरा। तो वो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि 10 MP का होगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा फ़ोटो क्लिक करके देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आप लोग इस मोबाइल से जो कि 4K वीडियो भी शूट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की बैटरी के बारे में जान लेते हैं। तो इस मोबाइल में आपको जो कि 3400 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो कि टाइप सी सपोर्ट करता है चार्जिंग के समय में, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल के फास्ट चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो आप लोग को जो कि 25 वाट से फास्ट चार्ज करता है, जो कि बहुत ही जल्दी आपके मोबाइल को फुल चार्ज कर देता है, जो कि 100% सिर्फ और सिर्फ 1 आवर में फुल चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ ये आप लोग को मोबाइल जो कि 5G देखने को मिल जाता है, जो कि इसका इंटरनेट स्पीड भी बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आप लोग इस मोबाइल में जो कि 2 SIM 1 SD कार्ड आप इसके नाम में घुसा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। प्रोसेसर की बात कर लेते तो वो आप लोग को सैमसंग एक्साइनस 99820 का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग के लिए भी ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है, नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। डिस्प्ले साइज़ की अब हम बात कर लेते हैं, तो वो आप लोग को 6.1 inches का देखने को मिल जाता है डिस्प्ले साइज़, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले साइज़ है, जो कि फुल HD+ डिस्प्ले होगा सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जो बहुत ही फास्ट होगा। अगर आप लोग कितना भी स्क्रॉल करोगे तो बहुत ही स्मूथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग गेम भी खेलोगे तो स्लो टच का कोई प्रॉब्लम नहीं आने और बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब हम इस मोबाइल की स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो वो आप लोग को गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिल जाता है, जो कि आपके मोबाइल को फुल प्रोटेक्ट करेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो वो आप लोग को जो कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है, जो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करता है, जो कि बहुत ही फास्ट होगा। अब हम इस मोबाइल की स्पीकर के बारे में जान लेते हैं। तो इस मोबाइल में आपको स्पीकर भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि डुअल स्पीकर होगा, जो कि डुअल स्पीकर होगा, जो बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल के एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो आप लोग को एंड्रॉयड 9 का देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छा खासा है। अब हम इस मोबाइल की वेट के बारे में जान लेते हैं कि इस मोबाइल का कितना वेट होगा, कितना वजन होगा। तो वो आप लोग को 157 ग्राम का देखने को मिल जाएगा, यानी कि मोबाइल बहुत ही हल्का होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। थिकनेस की बात करें तो वो भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि 7.8 mm का, जो बहुत ही पतला होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की हाइट के बारे में जान लेते हैं। तो वो आप लोग को 149 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा हाइट है, जो बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की विड्थ के बारे में जान लेते हैं, यानी कि चौड़ाई। तो वो आप लोग को 70.4 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा हाई विड्थ है, यानी कि मोबाइल आप लोग को पतला देखने को मिलेगा, जो कि लंबा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ लुक डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है, परफॉर्मेंस भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब हम इस मोबाइल की कलर के बारे में जान लेते हैं। तो इस मोबाइल में आपको 2 कलर देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लू में देखने को मिल जाएगा और वाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों ही कलर बहुत अच्छा है। अब हम जान लेते हैं इस मोबाइल का प्राइस कितना होगा। तो वो आप लोग को 39,999 का देखने को मिल जाएगा। आप लोग को भले ही प्राइस ज़्यादा लग रहा होगा, पर आप लोग को फीचर्स फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, आप लोगों को परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग लेने को सोच रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप लोग चाहो तो उधर से भी खरीद सकते हो।
अब हम जान लेते हैं कि अगर आप लोग खरीदोगे तो बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स में तो सबसे पहले एक आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट कवर, साथ ही साथ पिन दे दिया जाएगा जिसकी वजह से आप अपना सिम को निकाल या तो घुसा सकते हो, और यूएसबी टाइप सी डाटा केबल भी देखने को मिल जाएगा, और यूएसबी टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज करता है। और ये तो ये सब आपको बॉक्स के अंदर में देखने को मिलता है, और 1 ईयर का वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो यही सब है इस मोबाइल का फीचर्स, फैसिलिटी और फुल रिव्यू। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल्द से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।